अभी बीते कुछ सालों में ही पूरी दुनिया ने कोरोना वायरस का भयंकर महामारी की तबाही देखा। ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया जैसे थम सी गई हो, लेकिन रुको, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। A dangerous infection is gripping Japan. It is spreading at a record rate. It is called the streptococcal toxic shock syndrome. जापान में कोविड 19 सुरक्षा नियमों को कम करते ही फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के मामले तेजी से बढ़ने लगे थे, और इस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी इतनी खतरनाक है कि महज 48 घंटे में व्यक्ति को मौत का घाट उतार सकती है। इसलिए इस बीमारी के लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोरोना वायरस के बाद एक ऐसा बैक्टीरिया सामने आया है जो पूरी मानव जाति के ऊपर कहर बरपा सकता है। आपको बता दें कि इस बैक्टीरिया का नाम ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, जिसे आम भाषा में मांस खाने वाला बैक्टीरिया भी कहा जाता है। इस बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नामक एक बेहद ही गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसको शॉर्ट भाषा में STSS भी कहा जाता है। एक बार कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाता है तो 48 घंटे यानी कि 2 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो सकती है, और शायद इसीलिए इस बीमारी को इतना खतरनाक माना जा रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट इन्फेक्शियस डिजीज के मुताबिक इस साल 2 जून तक जापान में इस बीमारी के मामले लगभग 977 तक पहुंच गए थे, कि 2023 में पूरे साल के अंदर इस बीमारी के मामले लगभग 941 थे। संक्रमण के बढ़ते मामले और मृत्यु दर अधिक होने के कारण यह बीमारी मानव जाति के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकती है। इस बीमारी के सबसे आम लक्षण सूजन होना, गले में खराश होना, जिसे स्ट्रिप थ्रोट भी कहा जाता है। इसके अलावा इस बीमारी की वजह से हाथ पैरों में दर्द रहना, बुखार होना, ब्लड प्रेशर कम होना, टिश्यूज का मरना, ऑर्गन फेलियर होना और लास्ट में मृत्यु होना तय होता है। और एक बार जिस आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है तो अगले 48 घंटे में उसके पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर आने वाले 48 घंटों के अंदर व्यक्ति को सही टाइम पर इलाज नहीं मिला तो समझ लेना व्यक्ति की मौत नजदीक आ गई है। बीमारी से बचने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, अपने आस पास साफ सफाई रखिए, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोइए, और अपने गंदे हाथों से नाकों को, आंख को, मुंह को, कान को छूने से बचिए। अगर आपके बॉडी में कोई घाव है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज लेकर उसको ठीक करिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया घाव से भी एंटर करता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी तरह का वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।